हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर में मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हमने यूनिट फर्स्ट का सेकंड पोर्शन से हमने स्टार्ट किया है। तो जो कि हमारे थे एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक एजेंट्स। तो एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं, यानी कि हमारे ऐसे ड्रग या कि बोले तो हमारे ऐसे सब्सटेंस जो कि कैंसर की डिजीज के लिए ठीक करेंगे, यानी कि कैंसर के अगेंस्ट अपना वर्क करेंगे और वो हमारे हमारे की जो मतलब कैंसर वगैरह होता है उसकी डिजीज के लिए ठीक करेंगे। तो वो हमारे एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं। तो एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक एजेंट्स में हमने बेसिकली इससे पिछली वीडियो में यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे जो कि थे हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स की जो भी ड्रग चल रही थी उनका क्लासिफिकेशन वगैरह डिस्कस कर चुके थे। और उसमें हमने एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक एजेंट्स में प्यूरिन जो हमारी एंटागोनिस्ट है उसमें जो मर्कप्टोप्यूरिन जो हमारी ड्रग है वहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिकली उसी के जस्ट आगे की ड्रग जो कि हमारी है थायोगानिन हमारी ड्रग है। ठीक है, तो यहां से हम अपनी इस वीडियो में हम यहां से अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सीलेन सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ड्रग है हमारी एंटी न्यूक्लियोप्लास्टिक एजेंट्स में, वो भी उसकी क्लासिफिकेशन में जो कि एंटी मेटाबोलाइट्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी ड्रग है वो है इसमें थायोगानिन। तो थायोगानिन का बेसिकली स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जो कि बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और इसे एग्जाम में यदि ये मतलब इसका क्लासिफिकेशन आए तो आप स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से बना सकते हैं। थायोगानिन के बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल सा, यानी कि इट इज आल्सो एन एनालॉग ऑफ प्यूरिन, यानी कि ये प्यूरिन का एनालॉग है। थायोगानिन लाइक एसिड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हमारा होता है उसकी सिंथेसिस के लिए ये इनहिबिट करता है। ठीक है, एंड इट इज आल्सो इनहिबिट कन्वर्सन ऑफ आयोसिनिक एसिड, ये जो है आयोसिनिक एसिड टू जायंटाइलिक एसिड में जो है जो ये होता है उसके कन्वर्सन को भी ये इनहिबिट करता है, जो कि डीएनए सिंथेसिस जो और जो हमारी डीएनए सिंथेसिस जो होती है उसके लिए भी ये इनहिबिट करता है, जो कि डीएनए आरएनए से ही जो हमारी सेल्स वगैरह यानी कि कैंसर की जो सेल्स हैं वो ग्रो करती हैं उनके रेप्लिकेशन से। तो उनकी जो वो सिंथेसिस के लिए ये जो है इनहिबिट कर देता है डीएनए की सिंथेसिस के लिए, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इसकी बात करें यूसेज की तो इसका यूज तो हम भाई बेसिकली जो कि इट इज यूज टू ट्रीट नॉन लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकोमिया में, हम जो ल्यूकोमिया में जो कैंसर होता है वहां पर इसका हम यूज करते हैं थायोगानिन का। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी कंटिन्यू जो कि अगली ड्रग है वो है हमारी अजिथायोपायरिन। तो अजिथायोपायरिन का बेसिकली स्ट्रक्चर ये होता है इस तरह से, जो कि बहुत ही सिंपल है, आप एग्जाम में आसानी से बना सकते हैं। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो अजिथायोपायरिन का जो एंटागोनाइज प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन्स, यानी कि ये अजिथायोपायरिन एंटागोनिस्ट का प्यूरिन जो होता है उसका मेटाबॉलिज्म एंड उसके लिए इनहिबिट करता है जो कि सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए की प्रोटीन्स के सिंथेसिस को बेसिकली ये जो है उन्हीं की सिंथेसिस के लिए इनहिबिट करता है डीएनए आरएनए की। ठीक है, फर्दर इनहिबिट सेलुलर मेटाबॉलिज्म और ये जो फिर से जो है उसके फर्दर इनहिबिट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को एंड सेल डिवीजन को, ये जो है इनहिबिट करता है जिससे कि हमारे कैंसर की ग्रोथ होना रुक जाती है और सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है तो उससे हमारी कैंसर जो है कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी यूसेज की। तो यूसेज में इसका बेसिकली यूज तो एक पहला भाई हो जाएगा, इट इज आल्सो यूज एज इम्यूनोसप्रेसेंट एंड हेल्प इन ऑर्गेन ट्रांसप्लांट एंड प्रिवेंट ऑर्गेन रिजेक्शन, लाइक जैसे कि किडनी में हमारा कोई भी कैंसर हो तो वहां पर ये अपना इफेक्ट शो करेगा, उसकी जो है सेल होंगी उनके लिए कंट्रोल करेगा। आल्सो ट्रीट रूमेटाइड आर्थराइटिस जो कि क्रोन डिजीज जिसे हम बोलते हैं एंड क्लाइट्स जो हमारी जो डिजीज होती है उसके लिए भी ये ठीक करने के काम आता है। नेक्स्ट इसकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारी जो है ड्रग है वो है पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। तो पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट बेसिकली क्या होता है, इट इज द एनालॉग ऑफ पायरिमिडीन विच इज इनहिबिट थायोमाइडाइलेट सिंथेसिस एंजाइम्स, यानी कि जो हमारा थायोमाइडाइलेट सिंथेसिस सिंथेटिस में जो एंजाइम्स होता है उसके लिए जो है इनहिबिट करता है कौन, एनालॉग ऑफ पायरिमिडीन जो कि यही हमारा पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट है भाई हमारी इसके लिए इनहिबिट करता है।
दैट कन्वर्ट डीऑक्सीराइडाइलिक एसिड टू थायमाइडाइलिक एसिड में ये जो है उसके लिए फिर कन्वर्ट कर देता है। ये इसका ये जो है पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट, ये मतलब इस तरह से इसका वर्क होता है जो कि डीऑक्सीराइडाइलिक एसिड को थायमाइडाइलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारी पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट में जो ड्रग है वह फ्लूरो यूरेसिल, तो फ्लूरो यूरेसिल का बेसिकली स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल से इस तरह की रिंग्स होती है और इसमें ये यहाँ पर एफ और यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच होता है और ये इस तरह से बेसिकली बहुत सिंपल इसका स्ट्रक्चर है फ्लूरो यूरेसिल का। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो इट वर्क बाय इनहिबिटिंग थायमाइडाइलेट सिंथेटिस एंजाइम, ये जो है इसके एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। सो थायमाइडाइलिक एसिड सिंथेसिस स्टॉप, यानी कि थायमाइडाइलिक एसिड से जो उसकी सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है। फ्रॉम यूरेसिल्स डीएनए सिंथेसिस स्टॉप, या और जो यूरेसिल में जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो भी स्टॉप हो जाती है। इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होता है। बात करें इसके यूजेस की तो ये यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो इसका यूज हम बेसिकली टू ट्रीट एनल स्टोमक ब्रेस्ट ओसोफेगल्स एंड पेनक्रियाटिक कैंसर्स में इसका यूज करते हैं। एंड आल्सो यूज एस आई ड्रॉप फॉर ट्रीटमेंट ऑकुलर सरफेस स्क्वेमस न्यूप्लासिया, इसमें भी हम इसका यूज करते हैं। एंड आल्सो यूज टॉपिकली टू ट्रीट स्किन डिजीज, यानी कि कोई हमारी स्किन से स्किन में डिजीज हो तो वहाँ पर भी हम तो उसके टॉपिकली उसके लिए लगा करके उसके हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी इसमें ड्रग है वो है फ्लॉक्सिरिडीन। तो फ्लॉक्सिरिडीन का बेसिकली स्ट्रक्चर फ्लूरो यूरेसिल की तरह होता है जो कि बेसिकली और इसमें कुछ है नहीं, जैसे कि ऊपर भाई हमारा फ्लूरो यूरेसिल की तरह जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है और ये यहाँ पर ये और अटैच हो गया है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है फ्लॉक्सिरिडीन का। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका बहुत ही सिंपल है जो कि इट एक्शन इज सिमिलियर एज फ्लूरो यूरेसिल्स बट आल्सो इनहिबिट यूरेसिल्स राइबोसाइट्स फास्फोरिलेस एंजाइम्स, ये जो है बेसिकली जो हमारा यूरेसिल्स का यूरेसिल में राइबोसाइट्स फास्फोरिलेस एंजाइम्स होता है उसके लिए इनहिबिट करता है। ठीक है, और यूरेसिल यूटिलाइजेशन स्टॉप इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए, और जो यूरेसिल्स है जो यूटिलाइजेशन स्टॉप करता है इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए की, जो आरएनए की जो सिंथेसिस होती है उसके लिए जो है स्टॉप करता है। बात करें इसके यूजेज की तो इट इज मेनली यूज टू ट्रीट कोलन कैंसर, ये इसका यूज हम बेसिकली कोलन कैंसर में यूज करते हैं जो कि हमारी बॉडी का मतलब जो स्ट्रक्चर बॉडी का आखिरी पार्ट होता है वहाँ पर ये कैंसर हो जाए तो वहाँ पर ये ठीक करने के काम आता है। एंड आल्सो यूज टू ट्रीट किडनी एंड स्टोमक कैंसर, यदि किडनी में या स्टोमक में कैंसर हो जाए तो वहाँ पर भी ये ठीक करने के काम आता है। नेक्स्ट हम इसी कैटेगरी में जो नेक्स्ट हमारी कंटिन्यू ड्रग है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो है साइटोराबीन। तो साइटोराबीन का स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से होता है, बहुत ही सिंपल से, जो कि इसमें जो है केवल जो हमारे फ्लूरो यूरेसिल का स्ट्रक्चर था उसमें जो है यहाँ पर एफ की जगह एफ गायब हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की जगह हमारा एनएस यानी कि अमोनियम ग्रुप लग गया, बाकी ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ये भी पोर्शन उसका उसी की तरह सेम है। तो इसके स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्लूरोसिल के और साइटोराबीन के में। बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है जो कि इट इज एक्शन इज नॉट कम्प्लीटली अंडरस्टूड बट इट बिलीव दैट इट एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि जो डीएनए पॉलीमरेज हमारा जो एंजाइम्स होता है उसके लिए जो है इनहिबिट करता है। ठीक है, और ये इस तरह से अपना एक्शन शो करता है। और नेक्स्ट बात करें इसके यूजेस की तो यूजेस इसके कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम, तो इट इज यूज टू ट्रीट एक्यूट नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में जो हमारा कैंसर होता है वहाँ पर इसके लिए इसका यूज होता है। एंड एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, और जो लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में जो हमारा कैंसर होता है वहाँ पर भी हम इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली आप लोगों को यही बताना था इस वीडियो में, कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो का आखिरी एंड सॉरी इस यूनिट का सेकेंड पोर्शन का लास्ट वीडियो होगा वो जो कि हमारा एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है वो है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इसकी अगली वीडियो में आपके लिए मिलते हैं और उसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।